वेलकम टू बनारसी भूज। आज हम बना रहे हैं चना चूड़ा। बनारस में हरे चने बहुत ही फेमस है और बहुत कम दिनों के लिए मिलता है। हमने आज हरे चने से चना चूड़ा बनाया है। चना कई तरह का मिलता है, महीन दाने का चना इसके लिए परफेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं हम इसको बनाने की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स को हमने निकाल के रख लिया है और तड़का के लिए जीरा, हींग और तेज़पत्ता है। मसालों में हमने लौंग, इलायची, दोनों तरह की इलायची ली है, छोटी और बड़ी, साथ ही दालचीनी, जायत्री, जायफल और जीरा लिए हैं, लौंग, और इसको हम पीस लेते हैं। चूड़ा हमने मोटा चूड़ा लिया है। चूड़ा भी कई तरह का आता है, चूड़ा आप मोटा लें तो उसके लिए अच्छा होता है, और महीन दाने के चने। सबसे पहले हम चूड़े को भिगो के रख देंगे। इसके लिए हम दो बारी चूड़े को अच्छे से धो लेते हैं। हल्के हाथों से चूड़ा मसल के हम चूड़ा धो लेंगे। सारा पानी निकाल दें और इसके बाद हम चूड़ा में चीनी डालते हैं, नमक, अमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला। साथ ही हमने आधा कप दूध भी ऐड किया है। दूध डालने से चूड़ा बहुत ही मुलायम रहता है। दूध एक बार में ना डालें, धीरे धीरे करके मिलाते हुए डालें और चूड़ा को फूलने के लिए रख दें। तब तक हम अपना चना बना लेते हैं। तड़का का हमने जो सामान निकाल के रखा था, हमने तड़का लगाया और उसके बाद उसमें किशमिश को भून लेते हैं और अदरक को भी। इसके बाद हम हरा चना और नमक डाल के गलने के लिए रख देते हैं। बीच बीच में इसको चला दें। बहुत जल्दी से चना गल जाता है, इसीलिए हमने चूड़े को पहले से भिगो के रखा था। चूड़े को फूलने में थोड़ा समय लगता है। चूड़ा फूल गया है और अब हम इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर मिलाते हैं। साथ ही हरी धनिया भी मिला दें और एक बार अच्छे से चूड़े को मिक्स कर लें। इस टाइम में चूड़ा थोड़ा चिपका रहता है, उसको हाथ से अलग अलग कर लें। और चना हम चेक करते हैं, चना भी हमारा एकदम रेडी है। हाथ से दबा के चेक कर लें, अगर दब जा रहा है तो चना गल गया है। और इस टाइम में अब हम इसमें धनिया और गरम मसाला मिला देते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च भी मिला दें और 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डालें। चूड़ा जो हमने पहले से रेडी करके रखा है, इसमें मिला लेते हैं चूड़ा को। दम में हम 5 मिनट के लिए चूड़ा को रख देंगे। इससे चूड़ा अच्छे से गर्म भी हो जाता है और अंदर तक फ्लेवर भी चला जाता है। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।